दोस्तों ये देख रहे हैं छोटा सा गार्डन हमारा, ये नारियल के नारियल है इसमें पानी वाला। और ये दिवाली, ये जो दियाली हैं वो हैं, और सकोरा है फ्रेंड्स। तो ऐसे टूटी फूटी चीज़ों से मैं DIY बनाती रहती हूँ और करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स बहुत हमारे रोड से आवाज़ें आती हैं, तो लेकिन कुछ आवाज़ें देना ज़रूरी है जो नेचुरल आवाज़ है फ्रेंड्स। कहीं तो मैंने म्यूट कर दी है और कहीं तो जो है ऐसे ही रखी है। तो क्योंकि फाउंटेन में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब तक नेचुरल आवाज़ सुनने को नहीं मिलती तब तक उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने घड़े से बनाया है फाउंटेन को। तो आप भी अपने, क्योंकि अब सर्दी आ गई तो घड़े का पानी कोई पीता नहीं फ्रेंड्स, तो इसकी आवाज़ पहले सुनिए फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से। कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, आप ये से बनाइए। छोटी चीज़ों से ऐसे DIY बनाते हैं। और ये चिड़ियों को मैंने, मेन मकसद था हमारी आज चिड़ियों को बैठाना। सुबह सुबह हमारे यहाँ गौरैया आ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। इतना प्यारा गोबर भी लग रहा है फ्रेंड्स। बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि मैंने इनको और सा डेकोरेट करने की कोशिश की। और क्या है कि टब को छिपाना है मुझे, कि टब भी ना जलाई पड़े। और आसपास से गमलों को ऐसे लगा दे रही हूँ तो ये टब जो है हमारा दिखेगा नहीं। और फ्रेंड्स एक्चुअली में हुआ क्या मेरे साथ में कि बीमार होने के वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे लेकर के आती रही उल्टा सीधा। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये गौरैया है, ये घोड़ा है, ये आर्टिफिशियल है, कुछ टॉयज हैं। तो मैं इनको ऐसे रखूँगी तो गार्डन का लुक और भी बदल जाएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा फाउंटेन है, क्योंकि सर्दी आ चुकी इस समय घड़े का पानी कोई पिएगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉयज देख रहे हैं आप, ये बहुत सस्ते बहुत आराम से मिल जाते हैं। और नहीं तो आप बना भी सकते हैं घर में। ये फ्रेंड्स ये देखिए टॉयज कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो खिलौने हैं फ्रेंड्स कभी ख़राब होने वाले नहीं हैं, इनको आप धुल दें। और ये देखिए मैं इसमें बत्तख को बैठाने की कोशिश कर रही हूँ, तो सेरेमिक का है। और ये 10 रुपीज़ का मिल गया था ऐसे ही मार्केट में। और ये छोटी छोटी गौरैया जब बैठाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा किया है तो मैंने ये किया सुबह सुबह गौरैया ये आर्टिफिशियल देख करके। बहुत वैसे भी हमारे जहाँ भी गार्डन होता है फ्रेंड्स वहाँ गौरैया बहुत आती। ये देखिए फ्रेंड्स तरह तरह की गौरैया हैं। और फ्रेंड्स हाँ कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। और बेल आइकन में घंटी को जाकर के ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी प्यारी हैं। फ्रेंड्स ऐसे गौरैया को बैठा दिए हैं
बुलबुल हैं, गौरैया हैं। और क्या है कि फ्रेंड्स, अब वो सर्दी आ गई है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं मिट्टी में, क्योंकि रूट सड़ जाएंगे। तो ये जो है, ऐसे पत्तियों को धुलते रहेंगे जब लीव्स को, तो ये पत्तियों में चमक बनी रहेगी। तो समय समय पर इनकी पत्तियाँ, अब तो एक एक सप्ताह भी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पौधों में, कुछ पौधों में। और कुछ पौधों में फ्रेंड्स तो 24 घंटे में एक बार तो पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी ही। और अगर हो सके तो दोपहर में अब पानी देना शुरू करें, क्योंकि शाम सुबह पानी देना जो है, जड़ों को ठंड लग जाएगी, तो और भी ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं। और दोपहर में पानी देने से फ्रेंड्स ये होगा कि पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरा जो फाउंटेन है घड़े का, तो वो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो अपने घर में ऐसे बना सकते हैं। और ये ओरिजिनल, अब आपको इसकी साउंड सुनने को मिलेगी, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी आवाज़ है। कुछ गाड़ियों की भी आवाज़ इसी में आएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो डाल दिया है कि किस तरह से फाउंटेन बनाया जाता है, वो मेरा फुल वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं कि मैं कैसे फाउंटेन मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और फुल वॉच मैंने वीडियो, काफ़ी बड़ा वीडियो है, तो मैंने वो डाल दिया है।